दोस्तों, क्या आपके भी कमर की चर्बी बहुत ज्यादा है और आप समझते हैं कि इसे कम करना बहुत ही मुश्किल काम होता है? तो ऐसे में कौन से ऐसे एक्सरसाइजेस हैं जिससे कि आपके 36 की कमर 25 की हो जाए? अगर आपको भी जानना है इसके बारे में तो बने रहे इस वीडियो के साथ। दोस्तों, वेलकम बैक टू डेली हेल्थ टिप्स, और आज मैं आपको कमर की चर्बी कैसे कम करें इसके बारे में बताऊंगी। तो आइए जानते हैं हाउ टू लूज वेस्ट फैट, जिससे कि आपकी कमर की चर्बी यानी कि जो आपका वेस्ट का फैट है वो जल्दी से जल्दी कम हो जाएगा। हाँ, देखिए दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि फैट सबसे ज़्यादा हमारी कमर में जमता है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, इसके आसपास निकले हुए टायर्स की तरह जो फैट होता है वो दिखने में काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है और आसानी से घटता भी नहीं है। जी हाँ, और वैसे ना मोटापे पर काबू पाना इतना आसान नहीं है, लेकिन दोस्तों, अगर आप मोटापे को कंट्रोल करने की ठान लेना तो ये मुश्किल ज़रूर है पर नामुमकिन बिल्कुल भी नहीं है। और ना दोस्तों, कमर के आसपास बड़ी हुई चर्बी किसी को भी अच्छी नहीं लगती है, और आजकल तो ना दोस्तों, पतली कमर और सती टोन पेट पाना हर लड़के और सती लड़कियों का ख्वाब बन चुका है। इसके लिए वो तरह तरह के टिप्स को आजमाते भी हैं, और अगर आप भी इसी तरह के एक्स्ट्रा फैट से परेशान हो गए हैं तो घबराइए मत, क्योंकि फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में दिखाई जाने वाली कमर के फैट को कम करने के सीक्रेट और साथ ही साथ इफेक्टिव एक्सरसाइजेस आपके कमर के एक्स्ट्रा फैट को कम करने के लिए सबसे इफेक्टिव फैट बर्निंग एक्सरसाइज में से हैं। तो आइए जानते हैं वो कौन से एक्सरसाइजेस हैं जिससे कि आपकी 36 की कमर हो जाएगी 25 की। लेकिन फ्रेंड्स, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करें डेली हेल्थ टिप्स को, ये बिल्कुल फ्री है। साथ में आप ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर लें ताकि आपको मिलती रहे हमारे हर न्यू वीडियो की अपडेट सबसे पहले। दोस्तों, आप सबसे पहले वाले एक्सरसाइज में रनिंग कीजिए। जी हाँ, देखिए, रनिंग ना सबसे अच्छी एक्सरसाइज है कमर की चर्बी को कम करने के लिए, और साथ ही साथ रनिंग से ना आपका स्टेमिना भी बढ़ेगा और साथ ही कई सारे फायदे आपको रनिंग करने से मिलेंगे। इससे ना फ्रेंड्स, आप एक दिन में बहुत सारी कैलोरीज को बर्न कर सकते हो, लेकिन स्टार्टिंग में आपको अपने स्टेमिना के हिसाब से ही रनिंग करनी चाहिए। बाद में आप आराम से 5 से 6 राउंड ग्राउंड के लगा सकते हैं, जिससे कि फ्रेंड्स, आसानी से ना सिर्फ एक हफ्ते में ही आपकी कमर की चर्बी आपको गायब मिलेगी यानी कि सारी की सारी घट जाएगी। और ना दोस्तों, आप जो है दूसरे वाले एक्सरसाइज में डी फ्लाई अप एक्सरसाइज कीजिए। जी हाँ, देखिए, सबसे प्रभावी कमर स्लिमिंग यानी कि वेस्ट स्लिमिंग अभ्यासों में से एक है। और ना दोस्तों, ये आसन जो है आपके शरीर को ना ऊपर की ओर से धकेलने के लिए पेट के आसपास की जो मांसपेशियां होती हैं उसका उपयोग करता है। इससे ना उस एरिया में जमा हुआ फैट ना जलने लगता है यानी कि बर्न होने लगता है। तो दोस्तों, इसे करने के लिए ना आपको सबसे पहले नीचे ले जाना है। अब इसके बाद में अपने पैरों को ना इस तरह से उठाएं कि आपके पैर की उंगलियों को ऊपर की तरफ बढ़ाया जाए, हालांकि दोस्तों पूरी तरह से नहीं। जी हाँ, और इसके अलावा अपने पैरों को नीचे ना रखें। अब इसके बाद में अपने सिर और साथ ही अपनी जो बॉडी है आपके नीचे की हिस्से वाली, उसको अपने हाथों से ऊपर उठाएं 60 सेकेंड के लिए। अब उसके बाद में उस पोजीशन में रहें और वापस से आप नीचे आएं, यानी कि आप अपनी बॉडी और साथ ही अपने हाथों को नीचे कर लीजिएगा, जिस कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है ठीक वैसे ही कीजिए। और ना फ्रेंड्स, आप जो इस एक्सरसाइज को 20 बार यानी कि 20 टाइम्स आप रिपीट कीजिए, इससे ना आपकी कमर जो है स्लिम हो जाएगी सिर्फ एक ही हफ्ते में। जी हाँ, बिल्कुल, इसीलिए आप भी दी फ्लाई अप एक्सरसाइज ज़रूर कीजिएगा। और ना दोस्तों, आप जो है अपने कमर की चर्बी को तेज़ी से घटाने के लिए साइकिलिंग भी कर सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि ना दोस्तों, इसे सबसे बेहतर व आसान कार्डियो एक्सरसाइज माना जाता है। इससे ना दोस्तों, हमारे कमर, पैरों, टांगों और साथ ही छांगों की अच्छी तरीके से एक्सरसाइज हो जाती है। साथ ही ना इससे शरीर की एक्सेस फैट व कैलोरीज भी कम हो जाती हैं। इसी वजह से साइकिलिंग को ना कमर की चर्बी कम करने के लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज में से मानी जाती हैं। तो इसके लिए ना फ्रेंड्स, आपको जो है रोज़ाना 5 से 10 किलोमीटर तक ना साइकिल चलानी चाहिए, फिर देखिए कैसे आपके कमर की चर्बी ना पिघल जाएगी। और ना दोस्तों, आप जो है कमर की चर्बी से छुटकारा पाने के लिए चौथे वाले एक्सरसाइज में ना स्क्वाट्स कर सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि दोस्तों, ये पॉपुलर एक्सरसाइज ना आपके हिप्स, बट्स, थाइस और साथ ही साथ पेट और कमर पर काम करती हैं, और आपके पूरे शरीर का वजन कम करने के साथ साथ ना इन एरियाज की मसल्स को बनाने के साथ साथ आपके शरीर की टोनिंग करने में भी मदद करती हैं। जी हाँ, तो इसे करने के लिए ना फ्रेंड्स, आप जो अपने पैरों से ना हिप की दूरी पर बनाकर शुरुआत करें
और अपने हाथों को अपने चेस्ट के सामने प्रार्थना करने वाली पोजीशन में रखिए। अब उसके बाद में अपने पूरे वजन को अपनी एड़ियां यानी कि जो आपके एंकल्स होते हैं उन पर रखते हुए कुछ इस तरह से बैठ जाएं जैसे कि आपको वीडियो में दिख रहा है, जैसे कि दोस्तों आप एक चेयर पर बैठने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ, अब अपने बटक्स को ना अपने पीछे ढकेलें और आपसे जितना बन सके उतना या फिर जब तक कि आपकी थाई जमीन के समान अनुसार ना फ्रेंड्स ना आ जाए तब तक आप नीचे तक जाने की कोशिश करें। जब आपकी थाई जमीन के समान अनुसार आ जाए तब ना फ्रेंड्स आप इन्हें रोक कर रखिए, धीरे धीरे उठते हुए वापस पुरानी पोजीशन में आप आ जाइए। इसे 10 से 12 बार या फिर जितना कर सकते हैं आप उतनी बार इस एक्सरसाइज को दोहरा सकते हैं। इससे ना फ्रेंड्स आपके कमर की चर्बी कम हो जाएगी और साथ ही आपकी बॉडी स्लिम बनेगी। और फ्रेंड्स आप जो है ना पांचवे एक्सरसाइज में सिटअप्स कीजिए। जी हाँ, देखिए ये व्यायाम ना अभी तक का सबसे आसान व्यायाम यानी कि एक्सरसाइज है और इससे आपके कमर की चर्बी कम हो जाएगी बिना कोई मेहनत के। जी हाँ फ्रेंड, देखिए साथ ही ना ये हमारे शरीर के अन्य हिस्सों में भी जमे हुए फैट को कम कर देता है। तो इसके लिए इस व्यायाम को ना दोस्तों सुबह और साथ ही शाम दोनों टाइम आपको 5 से 10 मिनट तक करना है, जिससे कि आप बड़ी ही आसानी से अपने पेट और साथ ही साथ कमर की चर्बी को कम कर सकते हैं। और यदि आप इसे अधिक समय देना चाहते हैं तो और भी अच्छा रहेगा, क्योंकि ना दोस्तों आप जितना ज्यादा मेहनत अपने शरीर से करवाएंगे उतनी ही आपकी कमर की चर्बी पिघल जाएगी। इसीलिए दोस्तों आप वीडियो में बताए जा रहे तरीके से ही सिटअप्स को करके बड़ी ही आसानी से अपने कमर की चर्बी को कम कीजिए। और दोस्तों आप ना छठवें वाले एक्सरसाइज में जो है स्टैंडिंग साइड किक्स कीजिए। जी हाँ, देखिए थाइस एंड साथ ही साथ हमारे वेस्ट एरियाज में ना मांसपेशियों को टोन करने में हेल्प करता है और साथ ही हमारे पेट की मांसपेशियों को भी फैलाता है। ऐसे में दोस्तों फर्म किक देने से ना आंतरिक वसा जल जाती है और साथ ही आपकी कमर की रेखा ना नीचे गिर जाती है। और इस एक्सरसाइज को करने के लिए ना फ्रेंड्स आपको जो है अपने पैरों के साथ सीधे खड़े होना चाहिए, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है ठीक वैसे ही कीजिएगा। अब इसके बाद में ना दोस्तों आप जो है अपने दाएं पैर को जमीन से उठाएं और हवा में उछालें, दूसरी तरफ दोहराएं, सुनिश्चित करें कि आपके हाथ ना आपके कुल्हों पर रखे गए हैं। और दोस्तों अगले एक्सरसाइज में जाने से पहले ना आप प्रत्येक तरफ ना लगभग 20 टाइम यानी कि 20 टाइम्स इसे रिपीट कीजिए। इससे ना आपको ना आपकी कमर टोन एंड साथ ही स्लिम दिखने लग जाएगी, इसीलिए आप ना स्टैंडिंग साइड किक्स को रोजाना जरूर दोहराएं। और दोस्तों आप ना सातवें वाले एक्सरसाइज में बेसिक क्रंच कीजिए। जी हाँ, देखिए कमर की चर्बी घटाने के लिए ये बेसिक क्रंच करने का तरीका बहुत ही फेमस है, साथ ही दोस्तों इसको करना भी बहुत ही आसान यानी कि इजी भी है। तो दोस्तों क्रंच को करने के लिए ना आप जो एक मैट पर पीठ के बल लेट जाइए। अब इसके बाद में आप अपने घुटने यानी कि जो आपके नीज होते हैं उसे मोड़ लीजिए यानी फोल्ड कर लीजिए। इसके बाद में अपनी कोहनी को मोड़कर गर्दन के पीछे रखिए। अब सांसों को ना धीरे धीरे लेते रहें और अपने शरीर को ऊपर की ओर करने की कोशिश करें। अब धीरे धीरे से सांस को छोड़कर ना वापस उसी पोजीशन में आ जाए। फ्रेंड्स यही होता है बेसिक क्रंच एक्सरसाइज जो कि आपको वीडियो में दिखाई जा रही है। इसे करके ना फ्रेंड्स आप बड़ी ही आसानी से 36 की कमर को 25 की बना सकते हैं, इसीलिए आप बेसिक क्रंच एक्सरसाइज जरूर कीजिएगा। और ना दोस्तों आप जो है आठवें वाले एक्सरसाइज में ना हिप रेजेस एक्सरसाइज कीजिए। जी हाँ, हिप रेजेस ना फ्रेंड्स आपके कमर और साथ ही आपके पेट की जो मांसपेशियां होती हैं उसे टोन करने के लिए एक बेहतरीन एक्सरसाइज है। जी हाँ, नियमित रूप से ना फ्रेंड्स इस व्यायाम को करने से कमर के आसपास जमा हुआ फैट बर्न हो जाता है। इसे करने के लिए आप सबसे पहले कुल्हे को उठाने के लिए ना फर्श यानी कि जो फ्लोर होता है उस पर लेट जाइए और अपने हाथों को अपनी तरफ रखिए। अब इसके बाद भी अपने कुल्हों को ना ऊपर उठाइए और अपने पैरों की उंगलियों को ना दीवार की तरफ इशारा करते हुए अपने दाहिने पैर को ऊपर उठाइएगा। अब गिनती के लिए आप रुक जाइए और पहली पोजीशन में आ जाइए। इसके बाद में ना दोस्तों प्रत्येक पैर के साथ ना इस अभ्यास को 10 बार आप दोहराइए यानी कि 10 टाइम्स आप रिपीट कीजिए। यह आपके कमर के बड़े हुए इंचेस को कम करके उसे 25 की बना देगा यानी कि 36 की कमर को 25 की बना देगा। इसीलिए फ्रेंड्स आप भी ना हिप रेजेस वाली एक्सरसाइज जरूर कीजिएगा। और दोस्तों आप ना नवे और सती सबसे लास्ट वाले एक्सरसाइज में ना रनिंग अप दी स्टेयर्स यानी कि सीढ़ियों से ऊपर चलने वाली एक्सरसाइज को कीजिए। जी हाँ, देखिए दोस्तों कमर और साथ ही साथ हिप फैट से छुटकारा पाने का एक शानदार तरीका है
सीढ़ियों से चलना। जी हाँ फ्रेंड, देखिए यदि आप ना दिन में जो है केवल 3 से 4 बार वो भी सिर्फ 5 मिनट तक ना सीढ़ियाँ चढ़ेंगे और साथ ही उतरेंगे यानी कि रनिंग अप दी स्टेयर्स वाली एक्सरसाइज को दोहराएंगे ना, तो आप ये देखकर हैरान रह जाएंगे कि कुछ ही हफ्तों में ना दोस्तों आपकी कमर ना पतली हो गई है। जी हाँ, और इसके लिए आप ना सीढ़ियों की एक अच्छी सी उड़ान चुनिए और दौड़ना शुरू करें और ऊपर की ओर बढ़े यानी कि आप सीढ़ियाँ चढ़ते जाइए। इसे दिन में ना फ्रेंड 3 से 4 बार कम से कम 5 मिनट तक जरूर कीजिएगा। इससे आपकी कमर की रेखा ना काफ़ी सीधा कम हो जाएगी और साथ ही आप ना फ्रेंड्स ऊर्जावान भी महसूस करेंगे। तो फ्रेंड्स ये थे वो 9 एक्सरसाइजेस जिसकी मदद से ना फ्रेंड्स आप भी पा सकते हैं स्लिम वेस्ट यानी कि अपनी कमर के किनारों की चर्बी को आसानी से घटा सकते हैं। इसीलिए आप भी इन्हें ट्राई करें और अपना फीडबैक हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करें और साथ ही ज़्यादा से शेयर करें। मैं आपसे अगली वीडियो में मिलती हूँ एक और ज़बरदस्त हेल्थ रिलेटेड वीडियो को लेकर। तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखिए एंड ऑलवेज स्टे हेल्दी। बाय।